बोमन ईरानी के नवीनतम विकास की खोज करें। कोविड के बाद फिल्म निर्माता सूरज आर बढ़ जातिया आशावाद खुशी और जीवन में दैनिक हिमालय पर चढ़ने पर एक तस्वीर बनाना चाहते थे। राजश्री प्रोडक्शंस ने ऊंचाई बनाया। अमिताभ बच्चन सूरज के पहले चढ़ाई नायक थे। अमित जी वास्तव में कहानी के पीछे की धारणा को पसंद आया कि हम सभी के अंदर हमारा एवरेस्ट है जो हमें हर दिन मजबूत करता है, सूरज कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्म को मंजूरी देने पर रोमांचित थे। इसके बाद सारांश के अनुपम खेर थे। अनुपम ने बोमन ईरानी को भर्ती किया जो काम करने के लिए अनिच्छुक थे। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद, क्योंकि राजश्री परिवार है, अनुपम, बोमन मेरा दोस्त है, सूरज, बोमन को इतनी बड़ी फिल्म में सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उन्हें किसी भी अच्छे दोस्त की तरह एकजुट किया। अनजाने में ऊंचाई परिवार दोस्ती और आशावाद के बारे में बन गया। एक भावुक बोमन ईरानी याद करते हैं, मुझे लगता है कि अनुपम एक अद्भुत अभिनेता है जो चाहते हैं कि मेरे साथी अभिनेता इस प्यारी फिल्म का प्रदर्शन करे। राजश्री आज मेरा मंदिर है, ऊंचाई है मेरे दोस्त के लिए एक उपयुक्त स्मारक। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा का ऊंचाई में भाग्य का सामना करना पड़ता है। यह दिल्ली से माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर तक यात्रा करता है। सड़क यात्रा की पृष्ठभूमि की धुनों ने फिल्म की गति और मनोदशा निर्धारित की है। सूरज बड़जात्या की पहली नायक माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ड्राइव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों का जीवन बदल जाता है।